everyone, what's up? It's me, Nabilshzd. If you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you will never miss new video. So right now, we are going to review Ehd-e-Wafa trailer. Last episode trailer. इसका ट्रेलर अभी ड्रॉप हुआ है और मैंने इसका कोई भी एपिसोड नहीं देखा हुआ और मैंने सारे एपिसोड देखे हैं। मैं बड़ा बड़ा फैन हूं। मुझे सिर्फ इस ड्रामे का इतना पता है कि आईएसपीआर ने स्पॉन्सर्ड किया, तो लिंक ट्रेलर का यूट्यूब पे तो है नहीं है, आ जाएगा तो मैं डाल दूंगा। ISPR को सपोर्ट। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, यू गाइस, मैं बता रहा हूँ कि मैं सारी एपिसोड देखता हूँ, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि ये लास्ट एपिसोड, ये पता नहीं कब है ट्रेलर रिलीज है। और ये सिनेपैक के चैनल ने पोस्ट किया, यानी कि सिनेमा में रिलीज हो रहा है, जैसे वो मेरे पास तुम रिलीज हुआ था। और मैंने इसका एक भी एपिसोड नहीं देखा, बस मुझे इतना पता, जैसे मैंने पहले बताया ISPR ने स्पॉन्सर्ड किया है, तो फौजियों की लाइफ के ऊपर है ये शो, लेकिन इतना ही पता है मुझे। अब तुम आगे मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर दो इस सीरीज के बारे में, क्या है। सिंपली चार दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे, हाँ इतना तो ट्रेलर में और था। हाँ। फिर आगे मसले मसाइल हो गए, उनके आपस में लड़ाई, फौजी चारों फौजी, चारों बैक बेंचर्स थे, नहीं चारों फौजी नहीं है, लेकिन चारों इस तरह की फील्ड, चारों तो एक फौजी है, एक प्राइम मिनिस्टर है, कोई दिखाया गया है, वो तो बाद में बना, बाद में बनता है ना, मतलब सारे बाद में बनते हैं। अपनी कॉलेज लाइफ, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से फारिग होके सारा कुछ ट्रेनिंग लेके एक ACCA करके उसमें चला जाता है। फौजी स्कूल में पढ़ते थे क्या था ये? किसी फौजी स्कूल में और कॉलेज में नहीं पढ़ते थे, सिर्फ एक कॉलेज में पढ़ते थे, नॉर्मल कोई थी, आर्मी कॉलेज होगा, नहीं नहीं सुनो तो सही, वैसे ही पढ़ते होते थे किसी कॉलेज में, चारों दोस्त वहां पे, इनकी लड़ाई हो जाती है किसी वजह से, उसके बाद सारे अपने अपना निकल जाते हैं, अपना अपना, एक आर्मी में चले जाता है, एक ACCA करने निकल जाता है, एक रिपोर्टर बन जाता है, और एक ये इस फील्ड में चले जाता है, कुछ पढ़ता नहीं है वो आगे, लेकिन वो मिनिस्टर टाइप में चले जाता है। उसके बाद फिर सारे स्पॉइलर ना दें कोई, नहीं स्पॉइलर नहीं दे रहा मैं भी आगे। उसके बाद सारे फिर मिलने की कोशिश करते हैं, सारा दोस्ती दोबारा से करने की कोशिश करते हैं, हमें काफी चलता रहता है सिस्टम, लेकिन बहुत अच्छा, तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है, स्टोरी अच्छी है। तो ये फाइनल एपिसोड का ट्रेलर है, मुझे नहीं लगता यार फाइनल कैसे, अभी उन्होंने कोई नहीं टीवी में तो नहीं बताया लास्ट, तो उन्होंने लिखा हुआ लास्ट एपिसोड ट्रेलर, तो हम हाँ, देख लेते हैं हाँ, शायद कुछ और भी हो सकता है, पता कोई नहीं। सो पहले हम वीडियो का रिव्यू कर दें, कि सबसे पहले हमायूं से ईद आते हैं और वो अभिनंदन का सामने अभिनंदन को पकड़ा तो फनी सीन था। आई डोंट सपोज टू टेल यू एनीथिंग, हाथ आगे मिलाता है, हाथ बंदा होता है उसका, कहता है मुझे बाथरूम में जाना, कहता है नहीं नहीं, कहता है यू आर गोइंग टू टेल मी एवरीथिंग, वो कहता है आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग, तो वो कहता है तुम्हें बोलना तो पड़ेगा, कहता है मुझे वॉशरूम जाना है, कहता अभी से। उसके बाद ना ट्रेलर आगे प्रोग्रेस होता है। अच्छा, मुझे लगा था, हमें लगा था कि ये एंड ट्रेलर, यानी कि आखिरी एपिसोड का ट्रेलर, लेकिन ये यार अच्छा इन्होंने, और मुझे सिनेमैटिक सीन्स है, 14 मार्च से पहले ड्रामा खत्म हो जाए, और उससे पहले ना उनके स्टार्टिंग के दिन दिखाए हैं ट्रेलर में, जब वो दोस्त थे और जब वो दोस्त नहीं थे वहां से नहीं दिखाया, यानी कि जब ये दोस्ती के लेवल से थोड़ा सा आगे निकल गए थे, मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ में चले, लेकिन एक और चीज, जिस फ्रेम एंगल पे रिकॉर्ड किए गए ना, जो कैमरा क्वालिटी है वो टीवी वाली क्वालिटी नहीं है, वो फिल्म वाली प्रोडक्शन है, फिल्म वाली प्रोडक्शन है। उसके बाद दोस्तों की अपनी जिंदगियां, वो सबकी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड लाइफ और वो चीजें दिखाई गई, मुझे इतना पता नहीं है क्योंकि मैंने ड्रामा देखा नहीं। उसके बाद गुरु नानक सीन वाला, वो जो गुरदासपुर कॉरिडोर, उसका भी दिखाया उन्होंने, वो दिखाया। उसके बाद फिर से कुछ सीन वो दिखाए हैं जो अभी जितनी एपिसोड गुजर गई हैं उनमें नहीं है, तीन अच्छा। चार सीन ऐसे हैं मैंने। उसके बाद वो हीरो का क्या नाम है, साद के, वो एक्टर का क्या नाम है, साद ही एक्टर नहीं, का नाम नहीं, साद है, एक्टर का नाम साद नहीं है, असल में एक्टर का क्या नाम है, असल में एक्टर का क्या नाम है, इस मूवी में एक्टर का क्या नाम है, असल मूवी के एक्टर का क्या नाम है, मुझे एक्टर का नाम यार दिमाग से निकल गया, जो जिसकी गर्लफ्रेंड वो ड्रामों में, खैर वो सारी ड्रामा, वो ड्राम नाम निकल गया, आप कमेंट करें, जिसकी गर्लफ्रेंड वो ड्रामों में। अच्छा, उसके बाद ना फुल ऑन वो जंग पे चला जाता है, और वो फुल फ्लेज्ड फिल्म के सीन है, आई एम श्योर वो टीवी में तो नहीं दिखाने वाले वो सीन, वो जंग के सीन नहीं दिखाने वाले, हो सकता है ये जंग के सीन जिसमें वो धमाके कर रहे हैं, तोपें चल रही है, ये सीन टीवी में तो नहीं दिखाने वाले वो सीन। अच्छा, जब ये शो शुरू हुआ था ना ISPR वाला, मैं था थोड़ा सा शौक कि ISPR इतनी बड़ी, यानी कि ISPR अगर चाहे ना कुछ भी कर सकता है, तो वो एक छोटा सा शो क्यों बना रहे हैं, अब हमें पता चला वो असल में मूवी थी जिसको उन्होंने खींच के, जैसे वो बिन रोए थी, पहले फिल्म आई थी
फिर उसके बाद ड्रामा दिखाया गया था। मुझे इस तरह का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है, हो सकता है हॉलीवुड वाले ऐसे करते नहीं है। मैं पता क्या समझू, मुझे पता क्या, मुझे समझ नहीं आ रही, इस चीज की समझ नहीं आ रही कि अगर एक ड्रामे का एपिसोड 38 मिनट का है और मूवी ज्यादा से ज्यादा होती है ढाई या तीन घंटे की, लगा लो तो मेरे ख्याल से मेन पार्ट्स कवरेज मेन पार्ट होता है। पता है क्या होता है, जो ड्रामा होते हैं ना उनके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है तो वो ड्रैग करते हैं कहानी को, फिल्मों में ड्रैग नहीं करते, फिल्मों में उन्होंने मेन मेन चीजें दिखानी है, वो ज्यादा मजा आएगा, वो ज्यादा मजा आएगा, इसीलिए मैं ज्यादा एक्साइटेड होगा क्योंकि ड्रामे के लिए आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। 14 मार्च को ये आ रही है फिल्म और ड्रामे के लिए ना आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। और मैं श्योर हूँ इसके अंदर हुमायूं सईद का रोल थोड़ा ज्यादा ही होगा, आर्मी चीफ टाइप बना देंगे उसको। मैं बताता हूँ क्या होगा, जब बिल्कुल एंड आ जाएगा ना, जब सारा कुछ सिस्टम खत्म हो जाएगा तब ये हुमायूं सईद का। और मेरे साथ में होता जिस और मुझे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मेन हीरो क्या नाम है साथ वो यार उस बंदे का क्या नाम था जिसने अभिनंदन का प्लेन गिराया था, पता नहीं दिमाग में नाम नहीं याद आ रहा। अभी रिसेंटली साल हो गए इस चीज को, अभिनंदन को जो इंसिडेंट हुआ था वो सारे का साल हुआ रिसेंटली। काफी एक तो फ्रेशिंग टेक था इसके ऊपर। देन मुझे लगता है कि फिल्म के एंड में ना हीरो उसका प्लेन गिराएगा अभिनंदन का, हो सकता है, और वो पकड़ेंगे उसको। ये कुछ भी दिखाया जा सकता है, नहीं ये वाली चीज नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया जा सकता। ISPR बहुत जबरदस्त काम किया है और ऐसे ही इन्होंने किया था, ऐसे ही इन्होंने किया था बिन रॉय के साथ, फिर उसके बाद रिसेंटली उसका एक एपिसोड बिन रॉय की, हाँ बिन रॉय की भी मूवी आई थी, बिन रॉय पहले मूवी आई थी फिर ड्रामा आया था, हाँ। मुझे बिन रॉय मूवी इतनी अच्छी लगी थी और उसका ड्रामा, यार मुझे ना इस तरह का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है। मेरा दिल था कि ये जो किया गया ना इसके साथ हुमायूं सईद का ड्रामा था, क्या नाम है जिसमें मर जाता है एंड में, मेरे पास तुम हो, इसके साथ भी ऐसे ही करना चाहिए, लास्ट एपिसोड की बजाय ना पूरी फिल्म बना देनी चाहिए थी ताकि बंदे को मजा आता है, एक्सपीरियंस लेवल चेंज हो जाता है। ऐसे ही मैं ना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा, एक शो है मार्वल्स का एजेंट्स ऑफ शील्ड, उसके 6 सीजन है, मैं चाहता हूँ हर सीजन का एक एक फिल्म बनाई जाए, वो बना सकते हैं, एडिटर बना सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। ऑब्वियसली मेरे पास ऑफिशियल राइट्स नहीं है और ऑफिशियल क्लिप्स नहीं है, नहीं तो मैं खुद बीच में एक टाइम ऐसा आया था मेरा दिल था कि मैं पूरे सीजन को डाउनलोड करूं और उसकी खुद मूवी बनाऊं के, यानी कि नीट करता जाऊं, लेकिन उसमें टाइम बड़ा लग जाता है और ऑब्वियसली हमारे अपने काम होते हैं, हमें पे थोड़ी मिलेगी इस चीज। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, एक चीज है जो इस मूवी में साथ के जो फादर बने हुए हैं इस ड्रामे में जिनका नाम फराज है, वो असल में भी एक आर्मी चीफ के कोई हेड टाइप है। अच्छा अच्छा, मुझे इतना कंफर्म नहीं कि हेड है क्या, लेकिन वो आर्मी के बंदे हैं, आर्मी के बंदे, और काफी अच्छी एक्टिंग की है। इससे पहले भी एक ड्रामा था जिसमें वो भी ISPR से कनेक्टेड था, उसमें भी वो यही थे। एक और चीज मैं बोलूं, अब ये तूने ट्रेलर देखा, तूने ड्रामा भी देखा, मैंने ड्रामा नहीं देखा, ठीक है, डेफिनेटली मैं श्योर हूं कि ड्रामे की प्रोडक्शन क्वालिटी थोड़ी हल्की होगी, यानी कि जितने कलरफुल फ्रेम इसके थे ट्रेलर के वो बड़े जबरदस्त थे, ठीक है ना, के ब्राइट वाइड एंगल 4K में आई है, ठीक है, और वो जो था क्या नाम है ड्रामा था वो थोड़ा सा लो क्वालिटी में था। अगर तुमने बिन रॉय सिनेमा में देखी थी, मैंने बिन रॉय सिनेमा में देखी थी, और ट्रस्ट मी गाइस, बिन रॉय सिनेमा में देखने का एक्सपीरियंस लेदा ही था। मैं बताऊं, मैंने बिन रॉय देखी नहीं है, बिन रॉय में यार बिन रॉय का जो असली एक्सपीरियंस था ना वो सिनेमा में ही था। मुझे इतना पता है कि लव स्टोरी है लेकिन मैंने देखी, बिन रॉय में सिनेमा में देखने का, और एंडिंग में ना पूरा सिनेमा रो रहा था, लड़कियां फूट फूट के रो रही थी, जो कि ड्रामे में ऑब्वियसली ऐसा इम्पैक्ट हो नहीं पाता क्योंकि ड्रामा एक हफ्ता आया फिर एक हफ्ता ब्रेक, उतनी देर में आप रिलैक्स हो जाते हो, आप भूल जाते हो ड्रामे की स्टोरी को, आप थोड़ा कम कनेक्टेड हो जाते हो, लेकिन अब जब सिनेमा में 3 घंटे इन्वेस्ट करके मूवी देख रहे होते ना तो आप डूब जाते हो उसके अंदर। इवन तो मेरे साथ बैठा दोस्त रो रहा था, वो ऐसे से बांधे बने नहीं, कुछ खुद नहीं रो रहे थे, असल में साथ बैठा दोस्त मैं ही था। Oh my God, that is so amazing. यानी कि मैं रो रहा था वो मुझे बोल रहा क्या, मैंने कुछ नहीं आंख में कुछ चला गया तो एंड बाकी ट्रेलर में फिर उसके बाद वो ही हीरो हीरोइंस के करेक्टर्स की हैं, लेकिन मैं काफी एक्साइटेड हो गया और ये काफी जबरदस्त चीज होने वाली है, लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस मूवी Ehd-e-Wafa। इवन दो मैं तुम्हें बताऊं, मेरे रिसेंटली जो अंकल की डेथ हुई वो काफी पसंद करते और वो फौज में है, मेरे जो चाचू है वो आर्मी में है और वो इस ड्रामे को बहुत पसंद कर रहे थे, यानी कि मैंने तो नहीं देखा लेकिन वो काफी पसंद कर रहे थे इस शो को, तो मेरा दिल था मैं इसको देखूं। असल में ना मेरी आदत ये है कि मैं बिंच करता हूं, मैं एक एपिसोड देख के फिर हफ्ता मुझसे वेट नहीं होता यार। मेरी आदत है मुझसे हफ्ता वेट नहीं होता, मुझे अगर चीज अच्छी लगे ना तो मैंने पूरी 2-3 दिन में खत्म कर देनी, मैं इतना इन्वेस्टेड होता हूँ चीज में, तो मैं वेट करता हूँ मोस्टली शो का खत्म होने का, तो अभी मैं वेट कर रहा था उसका, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में तो अभी मेरे पास तुम हो। लेकिन रात को ना मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, काफी लॉन्ग कन्वर्सेशन हुई
मेरे पास तुम्हों के ऊपर, तो उसने मुझे एक बोला कि एक बंदा जिसको औरत ने छोड़ दिया पैसे की खातिर, मैंने देखा नहीं है मुझे वो इसने जो एक्सप्लेन किया, एक बंदा जिसको पैसे की खातिर छोड़ दिया, ठीक है, वो बंदा बाद में उसने और मेहनत की, ज्यादा अमीर आदमी बना, ज्यादा पैसा आ गया उसके पास, तो वो बंदे को अपनी लाइफ में और लड़की भी मिल गई, ठीक है, प्यार करने के लिए, तो उस बंदे को मूव ऑन करना चाहिए था, ना कि एक उसी लड़की के चक्कर में दोबारा एंड में मरना। इंसान को मोटिवेशनल स्टोरी देनी चाहिए कि, क्योंकि देख पता है क्या, पाकिस्तानी अवाम ना बहुत इमोशनल अवाम है, जज्बाती अवाम है, ये ना शोज को ना बहुत दिल पे ले लेती है, जो टीवी में हो रहा है, जो मूवीज में हो रहा है, हमें वही करना है। अगर हमारी अम्मा कितना रोई थी, तो उन्हें वो तो मेरी वालदा भी बहुत रोई थी, तो अगर हीरो मर गया ना, यही बोला कि हमारी अम्मा है, मैंने भी वही बोला, फारसी तो नहीं बोली, तो मैंने भी वही बोला, मैं अपनी मैं असल में ना वालदा को, मैं घर में वालदा ही बोलता हूँ, वालदा बास में वालदा, हाँ सही में, लाइक मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वालद साहब सुना नहीं तूने कभी, वैसे तो अम्मी अबू भी बोलते हैं, मामा पापा भी बोलते हैं, लेकिन मैं मोस्टली ना उनको वालद साहब कैसे हैं, सेठ कैसे हो, उस्ताद, यानी कि हम बहुत फ्रेंडली फैमिली से, बहुत फ्रेंडली रिलेशन है हमारे फैमिली के। तो अच्छा, बैक टू द टॉपिक, एक बंदा जो कामयाब हो गया जिंदगी में, उसने एक ओहदा बना लिया, वापस उस लड़की के चक्कर में उसने हार्ट अटैक करवा लिया, बल्कि एंड में उनको दिखाना चाहिए था कि लड़की आई है उसके पास, उसने बोला नहीं, तुमने पैसे की खातिर मुझे छोड़ा था, मेरे पास पैसा आ गया, तो अब तू क्यों वापस आ रही है, गेट आउट बिच, तो ऐसी एंडिंग होनी चाहिए थी। और इनको चाहिए था कि ऐद-ए-वफा बोल रहा हूँ, मेरे पास तुम्हों का भी लास्ट एपिसोड की बजाय फिल्म बना लेते। फिल्म बनाना इतना मुश्किल नहीं होता यार, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, एक एपिसोड होता है 40 मिनट का और फिल्म होती है 3 घंटे, और कितने एपिसोड थे मेरे पास तुम्हों के, मेरे ख्याल से 27 यानी कि 27 आवर्स ऑफ कंटेंट, 30 से नीचे यार, उसमें से ना एक 3 घंटे की मूवी बनाना बड़ा इजी होता है। हम जो व्लॉगिंग करते हैं ना, मैं परसों जो लास्ट व्लॉग डाला ना, वो 2 घंटे की फुटेज थी उसके, मेरे पास 2 घंटे की फुटेज में से मैंने 16 मिनट का व्लॉग बनाया, 2 घंटे की फुटेज में 16 मिनट का व्लॉग, तो 27 घंटे के कंटेंट में से इजीली आप 3 घंटे की मूवी बना सकते हो। लेकिन इन्होंने ये जो ऐद-ए-वफा की मूवी है, ये इन्होंने प्लान करके बनाई हुई है, पहले ड्रामा बनाना, पहले पूरा ड्रामा, नहीं, एट अ टाइम शूट हुई है। पता है क्या, इन्होंने डिसाइड किया होगा कि ये सीन मूवी के हैं, ये सीन फिल्म के, तो फिल्म के जो सीन है ना, उनको उन्होंने अच्छे कैमरा से शूट किया, क्योंकि अच्छे कैमरास काफी एक्सपेंसिव होते हैं और उनका काफी रेंट देना पड़ता है, तो वो बहुत 4K जो ऑफिशियल 4K कैमरास होते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जो मूवी मेकिंग कैमरास होते हैं, तो उनको सिर्फ उसी टाइम के लिए हायर किया जाता है जब आपने मूवी वाले सीन रिकॉर्ड करने हैं, तो इन्होंने पहले ही डिसाइड किया होगा कि जब मूवी के सीन रिकॉर्ड करने हैं, ये वाला कैमरा चाहिए, उसके बाद जो नॉर्मल टीवी के लिए सीन रिकॉर्ड करने हैं, ये वाला कैमरा चाहिए। यही किया था उन्होंने उसके साथ बिन रॉय के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं बिन रॉय देखनी है, बिन रॉय मूवी का फुल एक्सपीरियंस लेना है तो फिल्म देखो, बिन रॉय सीरीज भी अच्छी है लेकिन फिल्म ज्यादा अच्छी है। तूने कुछ बोलना, कुछ तो बोल, इन्होंने लास्ट एपिसोड क्यों लिखा फिर ऊपर यार, असल में ना वो लास्ट ही है, नहीं लास्ट एपिसोड पता है क्यों लिखा है, समटाइम ऐसा होता है लोगों को क्लिक बेट भी करना होता है, अब किसी को अगर ट्रेलर बोलेंगे उसको समझ लगेगी कि अब ट्रेलर क्यों आ रहा है, समझ रहे ना, अब ड्रामा चल रहा है, अब क्यों ट्रेलर दे रहे हैं, तो वो ये जब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पोस्ट होगा ना, ये तो सिनेमा चैनल ने पोस्ट किया, जब ऑफिशियल इनके यूट्यूब चैनल पे पोस्ट होगा उसमें नहीं होगा, उसमें फुल ट्रेलर की तरह ही शो किया जाएगा। सो गाइस दैट्स फॉर नाउ, दिस इज माय रिव्यू ऑन ऐद-ए-वफा ट्रेलर, इफ यू लाइक वॉचिंग दिस रिव्यू प्लीज गिव अस अ बिग थम्स अप, इफ यू वांट टू सजेस्ट मी समथिंग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट दैट इन कमेंट सेक्शन बिलो, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक पे, बेसिकली आई एम एवरीवेयर, सिंपली सर्च एन BLSHD एंड यू विल फाइंड मी, इसको भी ढूंढ सकते हो, ZWSHOU एंड फाइंड मी टिकटॉक, इंस्टाग्राम, सर्च, एंड यू कैन ऑल्सो क्लिक हियर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, यहाँ पे यूट्यूब चैनल आ जाएंगे, यहाँ पे दो वीडियोज आ जाएंगी, इंजॉय करें, ट्रेलर हमें बहुत अच्छा लगा है और सपोर्ट करें हमें, बाय, टेक केयर, पीस।